हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयस होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बांगी भात। गर्मी है, रोटी बनाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए पकाते हैं टेस्टी चावल। खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी बांगी भात की रेसिपी और देख लेते हैं बांगी भात बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होगी। बांगी भात बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैंगन को कट कर लिया था इस फॉर्म में, और मैंने इसे नमक के पानी में सोख करके रख दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं होगा, वो जो कालापन आ जाता है बैंगन के ऊपर वो नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। फिर अब मैं इन्हें शैलो फ्राई कर लेती हूँ। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये थोड़ा हीटअप हो गया था तो मैंने इसके अंदर, ये देखिए, सारे बैगन के पीसेस इस टाइप से प्लेस कर दिए। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और ये प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही करना है आपको, लो फ्लेम पे मत करिएगा। अगर आपको इनके ऊपर बहुत अच्छा क्रस्ट चाहिए, ये प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही बैगन को राइस के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है, साथ में एक क्रिस्पीनेस भी आती है बैगन के ऊपर। तो अब मैं इन्हें पलट के भी देख लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। दोनों साइड से मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही कुक कर लूँगी, और जब ये कुक हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने एक लॉट अपना तैयार कर लिया और दूसरा लॉट मेरा रेडी हो रहा है, और इसे भी मैं इस टाइप से निकाल लूँगी। मैंने वो तैयार कर लिए थे, बैगन फ्राई कर लिए थे, और अब मैं इसी ऑयल में, सेम ऑयल में पीनट्स को फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो पीनट्स को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं सेम पैन में ही बनाना था मुझे, इसलिए मैंने उसी ऑयल में इन्हें फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी एक बाउल में और एक साइड रख दूँगी। अब सेम इसी ऑयल में मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करूँगी। इसके साथ डालूँगी 6 to 7 करी लीव्स, और इसके साथ जाएगा 1 टेबल स्पून उड़द की दाल, 1/2 टेबल स्पून सेसमे सीड्स, इसके अंदर मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज, 2 बीच में से स्लिट करके, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और 1 हमारी ड्राई रेड चिली। इन्हें मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी इसके साथ। जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अनियंस। ये 1 अनियन है जिसको मैंने रफली चॉप किया था, और इसे भी मैं इसके साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जब हमारी अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं इसके अंदर अपने शैलो फ्राई किए हुए बैगन ऐड कर दूंगी, और इस अनियन के साथ बैगन को थोड़ा सा मैं टॉस करूंगी, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूंगी। और अब मैं इसके अंदर, ये मैंने इमली को भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले, अब इसका जो वाटर है वो मैं 3 to 4 स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 to 3 स्पून ऐड किया था। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं सारे मसाले को। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुक्ड राइस। राइस को मैंने पहले ही कुक करके रख लिया था, ये लेफ़्ट ओवर राइस की भी रेसिपी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये एक और लेफ़्ट ओवर राइस की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी, और इसके साथ डालूँगी 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और इन्हें बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करिएगा कि जो बैगन है वो टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए इस टाइप से मैं सारा ये मिक्स कर लूँगी, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर थोड़े से करी पत्ता ऐड करूँगी। ये देखिए करी पत्ता ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी सी जो मूंगफली मैंने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसे टॉस कर लिया है, और इसके बाद मैं इसे कवर करके 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसे इस टाइप से ही छोड़ दूंगी। ये देखिए 4 to 5 मिनट्स हो गए थे, और अब मैं इसके अंदर चॉप करा हुआ टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर आप इसी स्टेज पे ऐड करिएगा जब आपको ये सर्व करने हो, बिल्कुल एंड स्टेज पे ही। तो ये हमारे राइस पूरी तरीके से रेडी हैं, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसे सर्व कर लिया। आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये बांगी भात की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।